Have you ever wondered why all IPL matches are so interesting? लगभग हर मैच लास्ट ओवर तक क्यों जाता है? इतने सारे अप्स एंड डाउन्स क्यों होते हैं? Why you will only find very few boring matches? One answer, spot fixing. कल के ही मैच को ले लो. दिल्ली कैपिटल इस सीजन CSK को अपने दोनों मैचेस में बुरी तरह हराई है और दिल्ली कैपिटल्स के ओपनिंग बैट्समैन भी इस बार CSK के खिलाफ काफ़ी अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे और दिल्ली कैपिटल्स की धारदार गेंदबाजी भी CSK के बैट्समैन को अपनी प्रीवियस इनकाउंटर्स में तंग करती आ रही थी और CSK अपनी पिछली तीनों मैच हार कर क्वालिफायर खेल रही थी. इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए यह साफ साफ लग रहा था कि दिल्ली कैपिटल्स मैच जीतने की प्रबल दावेदार है. बस यहाँ आती है स्पॉट फिक्सिंग काम में. स्पॉट फिक्सिंग कोई पर्टिकुलर ओवर में होता है या कोई पर्टिकुलर प्लेयर के ऊपर होता है. इसमें पूरी टीम शामिल नहीं होती है. कोई एक बैट्समैन या बॉलर को खरीद लिया जाता है. टॉस जीतकर फील्डिंग करना वाज अ प्रिडिक्टेबल मूव, तो उसमें फिक्स करना वाज नॉट ईजी. सो CSK चूजेस टू फील्ड. लेकिन अर्ली विकेट्स गिरने के बाद स्टिक्स CSK की तरफ हाई होने लगे. लेकिन लास्ट तीन और चार ओवर में अच्छे रन्स बनने के कारण अब फिर से दिल्ली कैपिटल पर स्टिक्स हाई होने लगे हैं, क्योंकि दिल्ली कैपिटल्स के पास एक बढ़िया बॉलिंग लाइनअप है और वो ईजिली 172 के टोटल को डिफेंड कर सकती है और उन्होंने ये काम इस सीज़न में पहले ही बहुत बार किया है. सो नाउ दिल्ली कैपिटल्स आर फेवरेट्स. अब CSK की बैटिंग शुरू हुई और फर्स्ट ओवर एंड हाफ डुप्लेसिस बोल्ड. दिल्ली स्टिक्स गोइंग अप, लेकिन रॉबिन उथप्पा ने पारी को संभाला और ऋतुराज के साथ एक बढ़िया पार्टनरशिप की और अब CSK के जीतने पर पूरा सट्टा लग चुका था. लेकिन कहानी में ट्विस्ट अब आता है. रॉबिन उथप्पा आउट और अब बैटिंग करने कौन आया? लॉर्ड शार्दुल. यह डिसीजन काफ़ी आउट ऑफ सिलेबस था और पहले ही बॉल पे शार्दुल ठाकुर आउट. इससे टीम पे प्रेशर आया और मोइन अली जो थर्ड नंबर पे उतर, उन्हें वेट कराया गया और राइडू को भेजा. और जहां एक रन लेना ही काफ़ी था, वहां राइडू दो रन लेने के लिए भागे एंड प्रेडिक्टेड रिजल्ट्स 4 रन आउट हो गए. अब तीन लगातार विकेट्स गिरने के कारण सट्टा अब दिल्ली कैपिटल्स के जीत के ऊपर लगने लग चुका था. अब जब जीत के लिए कुछ तीन ओवर में 35 रन चाहिए, जो इजीली बन जाते हैं, लेकिन विकेट्स के कारण अंडर प्रेशर टीम और दिल्ली कैपिटल्स की तीखी गेंदबाजी के कारण यह काफ़ी बड़ा स्कोर लग रहा था. सो दिल्ली कैपिटल्स वेयर फेवरेट्स. और फिर ऋतुराज आउट. और अब जब सब जड्डू का इंतजार कर रहे थे, MS धोनी केम टू बैट, जिनकी फॉर्म इस सीज़न काफ़ी ख़राब रही है. सो एवरीवन नोज हु इज़ द विनर. सारा पैसा दिल्ली के ऊपर लग चुका था, क्योंकि अभी आवेश खान, जो धोनी को पिछले दोनों इनकाउंटर्स मैचेस में आउट कर चुके हैं, उनका ओवर और एक रबाडा का ओवर बचा था. सो दिल्ली कैपिटल जीतने वाली थी. लेकिन लास्ट ओवर में जब जीतने के लिए एक ओवर में 13 रन चाहिए, तब रबाडा को छोड़कर टॉम करन को बॉलिंग दी जाती, जिन्हें इस सीज़न मौके ही नहीं मिले थे मैच खेलने के. और फर्स्ट बॉल पे मोइन अली आउट. अब 5 में 13 और फिर जिस चीज़ के लिए टॉम करन को लाया गया था, उन्होंने वह काम बखूबी किया और धोनी की तीन लगातार बाउंड्री और एक वाइड से CSK मैच जीत जाती. जहां पिछले ओवर तक पूरी तरह से दिल्ली कैपिटल्स के जीतने पर सट्टा लग चुका था, वह रबाडा को बॉलिंग ना देकर CSK की तरफ मैच को पूरी तरह से मोड़ दिया गया और सारे पैसे सट्टे में लोग हार चुके थे. अब तुम सोचो कि खेल आखिर खेल कौन रहा था, प्लेयर्स या किंग मेकर्स?